सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में गाइस। तो जैसे कि आप सोच रहे होंगे गाइस कि आज मैं सही से नहीं डेढ़ से फोन पकड़ रहा हूँ, तो डेढ़ से पकड़ा हूँ तो इसके लिए कुछ आगे पीछे ना कुछ राज है गाइस। तो राज ये है गाइस, आज मैं कुछ अलग बना रहा हूँ। क्या मैं मतलब आज ना मम्मी ने कुछ ऐसा साग बनाया था जो बोलते हैं पालक का साग, तो मेरे को तो गाइस वो अच्छा लगता नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गाइस, और मैं खाता नहीं, मैंने अभी रोटी भी नहीं खाई। तो गाइस मम्मी तो चली गई खेत की तरफ घूमने के लिए, तो गाइस मुझे लगी थी भूख बहुत तेज, मैंने सोचा क्या दुकान पर से खाऊंगा, कुछ बनाती हैं आज अपनी थी अलग तरह से गाइस। तो देख सकते हो कि याद मेरा पूरा निसर रहा है गाइस, देख लो गाइस। तो आप सोच रहे होंगे मतलब ये कैसा निसर रहा है गाइस, है ना गाइस। तो गाइस मैं बता दूँ ना, मैं बना रहा हूँ घर पर कुछ अलग चीज़ गाइस। तो मैं बना रहा हूँ गाइस घर पर, जैसे बाजरे का आटा देखा हो तुमने, तो बाजरे की आटे की टिक्कियाँ, मतलब बाजरे के आटे की जो टिक्की होती है मीठी मीठी, मतलब उनमें ना चीनी घोलनी पड़ती है, पहले कुछ चीनी डालनी पड़ती है, उसके बाद बाजरे की टिकिया बनती है गाइस। तो गाइस अभी मैंने ना मतलब चीनी वीनी घोल के रेडी कर ली थी और उसमें डाल दी थी, तो गाइस वो मतलब थोड़ा घुल के रेडी हो गया। अब गाइस सोच रहे बस मुझे कुछ नहीं करना, मतलब दबा दबा के मतलब सारे एकदम मार लेना, जैसे आटा मारते नहीं गाइस ऐसा आटा मारना है इस बाजरे का, ऐसे मर जाएगा ना गाइस टोटली ऐसा आटा। उसके बाद गाइस यहाँ पर गैस पर ना तेल डालेंगे, तेल नहीं रिफाइंड में करेंगे गाइस, तो रिफाइंड थोड़ी डालेंगे और एक एक टिकिया सेकेंगे गाइस। तो गाइस खाने में तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा, क्योंकि बहुत दिन बाद वैसे ना, अब मैं ना हर हर मतलब बनवा लेता हूँ कुछ दिन बाद, लेकिन अभी मैंने अभी अभी तक ना खाई इतने, मतलब इतने टाइम हो गया बाजरे को, 2-4 महीने हो गए लेकर वो खेत से, अभी तक मैंने टिकिया नहीं खाई गाइस। तो क्यों मेरा मन नहीं किया था, लेकिन आज मेरे मुझे मन भी कर रहा है, और क्यों नहीं मुझे खाने का भी मन कर रहा है, भूख भी लग रही गाइस। तो गाइस जैसे कि आपको बता रहे, जैसे ही मैंने वो रेडी कर दिया गाइस, और अब बस अब मुझे थोड़ा सा रेडी और करना है, देखते हैं रेडी कैसे होता है कैसे नहीं, तो दिखाते हैं आपको। सो गाइस देख सकते हो कि ऐसा हो गया गाइस, तो ये ऐसे ना मुझे मारना है आटे की तरह गाइस। तो गाइस ये थोड़ा सा गीला नहीं हुआ, मैं सोच रहा था गीला हो जाएगा गाइस, तो गाइस ऐसे करके ना सारा ये मर जाएगा ना गाइस। तो गाइस ये देख सकते हो ऐसा हो रहा है गाइस अभी, तो सारा मैं इसको ना इकट्ठा कर लूँगा एक जगह पर गाइस, जिससे ना ये मरने में मतलब ऐसे करने में ना ऐसी गांठ सी बन जाएगी गाइस। तो उसमें थोड़ा सा पानी और डलेगा गाइस, जो ये पानी रहेगा गाइस, तो गाइस ये पानी तो मतलब ऐसा पानी देख मतलब फीका पानी, और ये वाला था इस कटोरी में मीठा पानी, तो गाइस इसी में डाल देता हूँ थोड़ा सा, तो क्योंकि इसमें चीनी रहेगी थी ना गाइस, तो वो आ जाएगी गाइस। तो ऐसे करके ना इसमें डाल दिया गाइस। तो गाइस कोई नहीं करता, मैं अकेला हूँ और मैं ये आइटम बना रहा हूँ गाइस। तो फिर से गाइस मैं चारों तरफ से एक एक इकट्ठा कर लूँ, मतलब अच्छा सा बना लूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। और गैस रखी रेडी, सब चीज़ रेडी है मेरे पास गाइस, बस इसे रेडी करके बस बनाना गाइस। तो जल्दी से सही से कर देते जैसे होता है गाइस ना, मैंने ये रेडी कर दिया था गाइस, देख सो रेडी करने के बाद एक तो ये कर दिया, एक ये कर दिया और एक ये रहेगा गाइस। तो मैंने मतलब इतना रेडी कर दिया गाइस। तो रेडी करने के बाद गाइस मैं अभी इतना ही फेंकूँगा, ज़्यादा मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी लाइट आ गई गाइस। तो लाइट आ गई ना गाइस, तो पहले बढ़ूंगा पानी गाइस। मैं नहाने को बैठा था, लेकिन एकदम मुझे याद आया कि चलो पहले नहाऊंगा बाद में, पहले ये खा लूँगा। तो लाइट अभी आई ना, इस वजह से मैं पानी भर लूँ पहले। तो मैं एक तो तीन तो मैंने कर दिया ये, बस मैं थोड़ा सा और करूँगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा करूँगा, और मतलब 2-3 और करूँगा, उसके बाद मैं रख दूँगा। तो मम्मी आएगी ना शाम को, तो मम्मी करेंगी, क्योंकि मेरे पे तो करनी आती, जैसी करनी आती तैसी कर ले रहा हूँ गाइस। टेढ़ी वगैरह देख सकते कितनी टेढ़ी कर दी चारों तरफ से गाइस, और ये भी टेढ़ी कर दी गाइस। तो पहले तो भर लूँ मैं पानी गाइस, उसके बाद ना मैं कुछ करता हूँ गाइस। तो पानी भरने से पहले इस पर रख दूँ मैं तेल, यानी कढ़ाई पर रख पर रख दूँ तेल गाइस। तो कौन सी कढ़ाई यूज करूँगा मैं गाइस, कढ़ाई कौन सी यूज करूँगा गाइस। तो गाइस मैं कढ़ाई करूँगा यूज, कौन सी वाली कढ़ाई यूज करूँ, तो कढ़ाई रखी है वहाँ पर गाइस, तो वो वाली यूज करनी पड़ेगी गाइस मुझे। ये वाली तो नहीं गाइस, ये तो बड़ी है गाइस, तो मैं छोटी वाली कढ़ाई देखनी पड़ेगी गाइस जो यूज करने लायक होकर। तो गाइस ये छोटी कढ़ाई है, मिल गई देखो गाइस। तो गाइस ये मिल गई छोटी कढ़ाई, तो गाइस ये देख सकते हो ये मैंने रख दी गाइस। तो गाइस इसे ना मैं पूछ लूँ पहले, तो गाइस ये मैंने पूछ दी, और इसके अंदर ना आँच बढ़ानी गाइस मुझे जल्दी से। तो गाइस इसके अंदर वैसे ये क्या हो गया, दोबारा से बंद करनी पड़ेगी गैस, क्योंकि ये बंद क्या आ जाता है इसमें, ये बेगासी हो जाती है ना गैस, इस वजह से मैं ये कर लूँ। और वैसे अब सही चल रही है पहले से, और थोड़ी स्लो कर दूँ गैस, और स्लो करने का गैस इसमें डालनी मुझे रिफाइंड। तो पहले मैं रिफाइंड डाल के जाऊँगा गैस, क्योंकि जब मैं लौट के आऊँगा ना गैस, तो मतलब वो रेडी हो जाएगा मेरा बन के गैस रिफाइंड। वैसे ये ऑलरेडी मैंने खोल दिया गैस, और देख सकते हो इसमें रिफाइंड थोड़ी सी गैस, इसे मैं अभी डाल जाऊंगा, क्योंकि मैं वापस आऊँगा ना पानी पानी भर के, तब तक ये गर्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट में आगे वो डाल लूँगा, तो गाइस रिफाइंड में सही डालनी पड़ेगी गाइस, ये थोड़ा पकड़ नहीं पा रहा मैं, ऐसे करके पकड़ना पड़ेगा इस। तो देख सकते हो ये सारी रिफाइंड मैंने इसमें डाल दी, सारी रिफाइंड तो खर्च होने वाली गाइस, क्योंकि आपको पता है ना मैं बना रहा हूँ, तो यार सारी रिफाइंड खर्च हो जाएगी गाइस, जल्दी भर लूँगा पानी गाइस। तो गाइस हाल ही में पानी पानी भर के मैं आ गया गाइस, और अब ना गाइस बस मुझे ये मैंने जो करके रखा ना अपना आइटम दिखा सकता हूँ गाइस,
ये रखा ना जो करके आइटम वैसे गाइस इसमें डालना है चूल्हे में, इससे देखना मतलब कैसी बनती है कैसी नहीं बनती, ठीक है गाइस खाने में कितनी अच्छी बनती है कितनी अच्छी नहीं बनती गाइस। तो तेल वगैरह ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा मैं डाल के देखता हूँ गाइस, उसके बाद देखूंगा मतलब तेल हो गया होगा तो मैं डाल दूंगा गाइस, तो दिखाता हूँ कितनी मस्त मस्त सीखेंगे गाइस। वैसे तेल हो रहा है गाइस, तो अभी तो हुआ नहीं गाइस, तो अभी हो जाने दो जब देखते हैं गाइस। गाइस बहुत मजा आने वाला है तुम्हारी कसम में यार, बहुत अच्छा लगने वाला गाइस आज तो। सो गाइस मैंने बड़ी वाली कचड़ी ली है गाइस, देख सकते हो गाइस मैं इसे ऐसे कर दूंगा गाइस, मैंने इसको देख सकते हो ये सेकना स्टार्ट हो गया गाइस, देख सकते हो कितना अच्छा स्टार्ट हो गया सेकने के लिए गाइस, तो ये लाल हो जाएगी ना तब देखना गाइस कितना मजा आएगा खाने में से। सो गाइस देख सकते हो ये तो रेडी हो गई सेक के, देख सकते हो कितनी लाल सी हो गई गाइस, तो ये वाली तो सेक के रेडी हो गई बिल्कुल गाइस। और डालने गाइस तो इसका तिरना चुन लूँ, उसका तिरना चुनने के बाद गाइस उसे डाल दूंगा गाइस, देख सकते हो कितनी ज़्यादा लाल हो गई गाइस, देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही देखने में गाइस। तो गाइस आप और भी डाल दीजिए और रहेंगे गाइस उसमें, उसके बाद ना सारी हो जाएंगी तब देखना गाइस कितना मजा आएगा उसे खाने में गाइस, तो बने रहना मजा आने वाला है। देखिए भाई तो कितनी अच्छी सीख गई गाइस, अभी और देखता हूँ उसका थोड़ा स्वाद देखूंगा थोड़ी देर में गाइस, तो अभी और डाल दूँ तेल बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो गाइस मैं बता दूँ कि आप सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या है, ये सोच रहे होंगे कि ये क्या गाइस, तो ऐसे बता दूँ मैं बनाने तो ये गया था लेकिन ये वहाँ पर कटोरी रखी हुई थी गाइस, तो मैंने सोचा ना इनको भी बना लो दोनों चीज़ ले आऊँ। तो गाइस देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी लगाई, ये वाली ना सोच अच्छी बनाई मैंने गोल सी, देख लो गाइस है ना चारों तरफ से एक अच्छी सी बनाई मैंने गोल सी, अच्छी लगी ना इस वाली गाइस, तो ये वाली देख सकते हो और भी देख सकते दिखा सकते हो गाइस। तो मैंने आधी बनाई गाइस, आधा आटा रख दिया, वो शाम के लिए मम्मी बना देंगी क्योंकि अभी मुझे नहाना ना गाइस, इस वजह से तो मैं बस भूख भूख मिट जाएगी उतनी देर खाऊंगा गाइस, तो देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है सभी। तो वैसे भी मैंने चेक भी नहीं की कैसी लग रही है, वैसे तो अच्छी लगी होगी लेकिन एक बार चेक तो करने का मन कर रहा, चेक तो करूँगा मैं ही खाऊंगा लेकिन आपको दिखाऊंगा कितना अच्छा लग रहा कितना नहीं। तो गाइस ये तो बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि ये कटोरी होती है दुकान वाली जहाँ पर आपने कभी खाई होगी, 10-5 रुपये पैकेट मिलती है लेकिन गाइस ये हम घर पे ले आए थे, तो गाइस अब इन्हें खाने का मन कर रहा है तो खा सकते नहीं खा सकते, तो अभी देखते हैं दिखाते हैं और कितना टेस्ट लगेगा, बहुत ही टेस्टी बनने वाला गाइस ये वाली तो, और अच्छी लगेगी ये वाली तो बहुत अच्छी लगेगी गाइस, तो खाते हैं। तो गाइस जैसे कि ना हम बना के तो ले आए घर से मतलब वहाँ से, वैसे हम पहले तो टेस्ट करेंगे ये चीज़ बहुत टेस्टी गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गाइस, तो गाइस ये तो बहुत टेस्टी है गाइस ये वाली, तो गाइस ये वाली तो हम रख के देंगे क्योंकि ये अच्छी है ना गाइस, तो मम्मी दिखा देंगे तो मम्मी वो इतनी अच्छी की गाइस, लेकिन पता क्या मैंने कैसी कैसी की है, ऐसी ऐसी की गाइस दिखाऊँ ऐसी ऐसी अच्छी है ये भी देखने में लेकिन इतनी बेकार नहीं है लेकिन है। तो गाइस मैं टेस्ट करके देखता हूँ कैसे लगती है, तो ये मैंने टुकड़ा लिया है थोड़ा सा और मैं देखता हूँ कैसे लगती है। गाइस गाइस एक कमियाँ इसमें ना थोड़ा गोला गाइस, इसमें ना बस एक कमी थोड़ा सा गोला पड़ जाता और बीच पड़ जाता ना, तो गाइस बहुत टेस्टी होती, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गाइस, तो गाइस बहुत अच्छी लगी खाने में, हाँ हाँ बहुत टेस्टी बताया था, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी गाइस। तो गाइस अपना बहुत अच्छी गाइस, तो ऐसे अब ज़्यादा तो मैं रुक नहीं पाऊँगा इसके लिए, अब मैं खाता हूँ उसके बाद ही मिलता हूँ गाइस आपसे, कितना मज़ा आ रहा है कितना नहीं मज़ा आ रहा मैं नहीं बता सकता गाइस। आप ना कभी अपने तुम्हारे घर पर तो ऐसी बात नहीं होगी ये चीज़, तो अपने घर पर ट्राई करके देखना, अगर मज़ा ना आए ना तो मुझसे याद मिलाना, मैं बताऊँगा तुम्हें और मज़ा आ जाए तो गाइस भूलना तो मत मुझे क्योंकि मैंने बताया और कोई नहीं बता पाएगा सब्जी बनाने के लिए, ऐसे काम मैं ही करता हूँ बस, ऐसे काम आसी से कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इस चैनल पर ना ऐसी चीज़ देखने को मिलती रहती है गाइस ज़्यादा से ज़्यादा, तो ऐसे ना बनाते तो कोई नहीं डालते कोई नहीं, लेकिन फिर भाई ने कुछ अलग डाला गाइस आज, अगर जो करेंगे ना मज़ा तो आने वाला है स्कूल, तो ऐसे मैं से खा लूँ उसके बाद ही बात करूँगा आपसे। तो गाइस तो जैसे ही गाइस मैं बता रहा था मैं टिकिया वगैरह बना रहा हूँ, तो टिकिया फिर बना के ना गाइस आप देख सकते हो मैं नहा भी लिया गाइस, गाइस मतलब बहुत ठंडा पानी था यार, शाम से हो गई थी और मतलब घाम भी थी नहीं वहाँ पर नहाने वाली जगह पर, बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी गाइस, तो उसके बाद मैंने फिर आगे वो खाया गाइस, बहुत मज़ा आ गया, और थोड़ा और खा के देखता हूँ गाइस थोड़ी स्टिकिया और खा के देखता हूँ कैसी लगती है कैसी नहीं गाइस, अब क्यों पहले तो बढ़िया लगती थी, अब नहाने के बाद यानी ठंडी होने के बाद कैसी लगती है कैसी नहीं लगती गाइस, नहा के उसके बाद थोड़ा सा टुकड़ा लूँगा गाइस, मैं ज़्यादा लूँगा नहीं गाइस, थोड़ा टुकड़ा लेके बैक आ जाऊँगा वहीं धोनी पर। जैसे कि आपने देखा मैं थोड़ा सा टुकड़ा लेके आगे गाइस ये गया मेरे हाथ में, तो गाइस बहुत बढ़िया है, अब बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत बढ़िया नहीं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है गाइस, बता नहीं सकता बहुत ज़्यादा बढ़िया। सो गाइस मैं इस ब्लॉग का समाप्त कर रहा हूँ यहीं पे, तो आशा करता हूँ बढ़िया लगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना, जो लोग नए चैनल पर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल 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 बताऊँगा, गब्बर का कहना है सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, उठा के मैं दे दूँ, मैं गब्बर है गब्बर रहेगा, इसलिए इस ब्लॉग का एंड, मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, फैंटास्टिक ब्लॉग सो यूसी बढ़िया ब्लॉग मनोडो से बढ़िया ब्लॉग सभी से बढ़िया बढ़िया ब्लॉग मिलेंगे, बस समय को आने तो समय के साथ सब कुछ मिलेगा, तो बाय बाय गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।